तानाशाही नहीं चलेगी। प्रिंसिपल जसवीर का प्लस वन आर्ट सी विद्यार्थी हाँ, मतलब अच्छा साढ़े प्रिंसिपल मैडम का मतलब जो हो रहा वा प्रिंसिपल मैडम ना जमा वधिया नहीं है और मतलब साडे टीचर पूरी तैयारी करके आते क्लास सानू पढ़ाते हैं पर प्रिंसिपल मैडम सानू जमा नहीं पढ़न देंदे है आते हैं क्लास आके टुक टाके कर लग जाते हैं हमेशा मतलब बस टीचर्स नू बोलते रहते या बच्चों बोलते रहते बस अं कहें अच्छी पढ़ो जो अभी पढ़ते भी हैं तो भी सानू आके डिस्टर्ब करते हैं भी हाँ तुम पढ़ो होर पढ़ो होर पढ़ो होर हाँ अभी कि पढ़ी जाइए अभी आपका भी देखना होंगे भी अभी रोटी भी खाने सारा कुछ करना होंगे अभी बट प्रिंसिपल मैडम आके जो बोलने लग जाते अज सुबह ऑफिस बुला के मैडम ने पता नहीं की किया साढ़े पंजाबी वाले मैडम ने बलजीत मैडम उन्होंने पता नहीं ऑफिस बुला के उन्होंने की किया मैडम इन्ना ज़्यादा रोए उन्होंने इन्ना इन्नी मुश्किल से चुप कराया साढ़े इंग्लिश वाले मैडम ने कमलजीत मैडम वह भी रोए थे उन्होंने भी बहुत मुश्किल चुप कराया सारा कुछ प्रिंसिपल मैडम की वजह ही हो रहा वा साडा पूरा स्कूल चाहता भी उन्होंने इस स्कूल बदली हो जाए तो वो स्कूल वापस कदे ना मेरी क्लास हैगी प्लस टू वोकेशनल मेरा नाम सुखजिंदर सिंह तो मैं प्रिंसिपल मैडम क्लास दफ्तर के बुला के सू दो बच्चों कह रहे हैं कि वे टीचर के प्रति भड़का रहे हैं तो वह कह रहे हैं कि उन्होंने बाहर जाके घेरो तो उन्होंने कुटमार करो ये सारा कुछ सूँ कह रहा तो टीचर आपका बहुत ध्यान दे पढ़ा रहे होंगे तो प्रिंसिपल मैडम पिछों की आके उन्होंने भड़का रहे हैं तो उन्होंने अवा तवा बोलते हैं पुठा सीधा बोलिया जा रहा उन्होंने तो उन्होंने कोई गलती नहीं वो सारे चंगी तरह पढ़ा रहे आपकी ड्यूटी निभा रहे हैं मैं सरदार कुलजिंदर सिंह इतने लैक्चर फिजिकल एजुकेशन काम कर रहे असी बड़ा वधिया इत्थे साडा सिस्टम चल रहा सीगा सारे साडा स्टाफ साडे बच्चे जिहड़े मतलब स्कूल दे विच बहुत खुशनुमा एटमोसफेयर पढ़ाई वाला एटमोसफेयर बहुत वधिया साडा जिहड़ा सारा शेड्यूल इत्थे बहुत वधिया चल रहा सी मैडम दे जिहड़े जसवीर कौर प्रिंसिपल आउण तों बाद साडा सारा अपसैट हो गया जी इत्थे सारा सिस्टम खराब हो गया साडा तो ये क्योंकि इन्हां नूं पता नहीं की हैगा प्रॉब्लम कि ये सारे दे उत्ते डिक्टेटरशिप करना चाहुंदे आ अज के इस युग के डिक्टेटरशिप जी है वह मैं लगता नहीं है किसी एंगल तो सही होंगी है क्योंकि बच्चे भी अगर कोई प्रॉब्लम्स करते हैं टीचर्स भी प्रॉब्लम करते हैं तो आप उन्होंने गाइड करना होंगे टीचर्स जोड़े है वही असी रिसपोंसीबल हाँ असी सारे जने अपन डिग्रीज लैके आए हैं इतने कोई एवं इस तरह नहीं है सारा बैकग्राउंड है सारे का तो सारे बच्चे साड़ी गल सुनते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी तो एकदम तुम डिक्टेटरशिप नाल उस चीज़ को चेंज करोगे तो वह सारे के फेवर च नहीं जाएगी सो य जी समस्या हैगी साडे वास्ते बहुत ही वड्डी बन गई सी साडे स्टाफ दे विच इन्हां ने जिहड़ा हैगा बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कीतियां कि इकट्ठा खाना नहीं खाना रिसेस दे विच असीं इकट्ठा खाना नहीं खा रहे ईवन साडा जैन स्टाफ चार दिन हो गए जी असीं भुखे उवें टिफिन लैके आउंदे आ उवें लैके जांदे आ जी ਸੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਐਸ ਐਮ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
तो 10 साल तो मैं खाना बना रही हाँ, तो जो भी कुक आ वा तो जाने की उन्होंने बहुत परेशानी कर रही है सानू, तो चार बाधे थी सानू बिठाई रख दी कद उधर 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 ना सानू रोटी खाण देंदे दोपहर की, तो सानू आपके दफ्तर मूहरे बिठाई रख दिया, तो असी एक बजे साडा खाना खत्म हो जाता, खाना खवा के बच्चों असी आपके घर जाते नीता राणी मैडम वाले, हुण जिद्दां दी ये आई आ सानू जान नहीं दिंदी, घर 4 बजे जाती आप जदों गड्डी च बहिंदी आ तां पहलां तां बैक रखो तो फिर सानू घर जान दिंदी आ। मैनू जान जान के परेशान कर रही है, हर रोज़ मैं दवाइयाँ खा रही हाँ, दिमाग की प्रॉब्लम आ मैनू, फ्रीज मैं तो दुध ले रही है घरों, साइन मैं तो करवा रही है, जान जान के मैनू डरा डरा के बहुत ज़्यादा मैनू परेशान किया होया, मैनू कहनी तेरी जॉब मैं छुट्टी वाले दिन मैनू घर बुला रही है, मैं तो झाड़ू पोचा लवा रही हाँ, मैं तो भांडे साफ करा रही हाँ, बहुत मैं परेशान किया जा रहा, मेरे बच्चे छोटे मैं कितने चिर तो घर बुला रही है, कितने टाइम हो गया? 1 नवंबर तो 3 महीने हो गए, मैं बहुत नेरा करके घर तोड़ रही हाँ। मैडम पहले भी कंप्लेंट की थी कितने? मैडम की नाम है थोड़ा? मेरा नाम कुलविंदर कौर है। की दिक्कत की आ रही है तुम्हें? हाँ जी सफाई का काम करती हूँ। हाँ जी मैं सफाई का काम कर रही हूँ। की परेशानी की आ रही है तुम्हें? परेशानी दी मतलब प्रिंसिपल मैडम भी मैनू घर लेके जा रहे हैं कि मेरे तो काम कराते हैं, तो सफाई का भांडा डिंडा होर कपड़ा लीडा सारा मैनू रात भी रहन कह रहे हैं, तो भी मेरी मजबूरी आ गई भी मैं नहीं जा सकती हैगी, कि मेरे बच्चे ने कि मेरी बेटी है जवान भी उन्होंने मैं छड़ के नहीं जा सकती, बस नहीं रात तुसी कित्थे रहिश तुसी रहंदे कित्थे हो? हाँ जी मैं इतनी पेंडी रहनी हूँ बोकर। मैडम का घर कितने है? मैडम का घर लुधियाने है। तो लुधियाने नाल लेके जाते हैं? हाँ जी लुधियाने नाल लेके जाते हैं तो काम कराने ने। अच्छा तुसी रात रुके भी हो पहले कदे? हाँ जी। कितनी बार? एक बार। कि तुसी उन्होंने अपने घर के काम भी करवा परसनल काम भी करवा? देखो मैं ये इल्जाम झूठे मूठे मेरे से कोई भी लगा सकते हैं, मैं अपने घर से कल्ली रहनी हूँ, मैं इन्होंने परसनल काम कराने लिए क्यों बुलाऊंगी? मैनू दिमागी तौर पर परेशान किया जा रहा। देखो मैं इन्नी बीमार है कि मैनू मैं कोर्ट के हुक्मों के थ्रू हाई कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू मैंने सरकार ने इतने बिठाया, और मैं तान के आई सी बच्चों के खातर पढ़ाई की खातर, मैं अपना तन मन तन ला लेना, गरीबों को पैसे चाहिए आ, यूनिफॉर्म चाहिए आ, कोई भी चीज़ें लैके दूंगी, पर मैं बच्चों को प्यार ने भी समझाया, बच्चे इन्होंने कंट्रोल च नहीं है, ये टीचर क्लासा छड़ के भी देख लो इधर उधर तुरे फिरते हैं, होर कोई गल नहीं, कोई सीरीयस कुछ गलबात नहीं है, ये जान बुझे कि पोलीटिकली मैं उन्होंने परेशान कर रही। थैंक यू।